हम सभी शिक्षक साथी अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए और प्रतिदिन हम लोग का यहाँ पीआरसी में धरना स्थल आयोजित की गई है। हम लोग पीआरसी में प्रतिदिन आवे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग साढ़े पांच सौ हम लोग के प्रखंड में शिक्षक है, लेकिन 750 में 100 पार हम लोग कहियो नहीं हुए। 27 दिन में 100 पार नहीं हुए हैं। वैसे वैसे लोग भी है जो आज तक 27 दिन में एक दिन भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा। तो इसके लिए एक आदमी नहीं करेंगे, यहाँ आने वाले सभी लोग तय करेंगे कि उनके साथ क्या किया जाए। सबकी जिम्मेवारी है, घर पे बैठ जाए क्या बेहतर माल इतना ही भाई लोग को मिलेगा, उन लोग को नहीं मिलेगा। ऐसे बेहतर के लिए बार बार फोन जाता है कि बेहतर कब मिलेगा, और यहाँ आने में यहाँ प्रतिदिन आने वाले ही चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। जो यहाँ प्रतिदिन आते हैं और नहीं आने वाले कभी आप दिखाई भी नहीं देते हैं, क्या पता वो कहाँ रहते हैं, वो घूमने कहीं चले गए होंगे, सैर सपाटा करने गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एकता, एकता बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम लोग की यहाँ संख्या रहेगी तो उसमें जो है हम लोग को बल भी मिलेगा और हम लोग को मांग। इसलिए सभी भाई से भी निवेदन है कि आप सभी अपने स्तर से भी थोड़ा सभी वैसे शिक्षकों को लाने का यहाँ प्रयास किए ताकि वे इस धरना स्थल पर आवे, क्योंकि अधिकार ना है, यह सबका अधिकार है। ऐसा बात नहीं है या हम लोग का लड़ाई या 27 दिन हो गया, हड़ताल में कहीं ना कहीं जो है उपस्थिति दर्ज जो है कराना पड़ता है। यहाँ कैसे उपस्थिति दर्ज हम लोग का हो रहा है, जब यहाँ नहीं है विद्यालय नहीं तो है क्या। इसलिए हम लोग को अपना एकजुटता बनाए रखेंगे तो इस नीतीश सरकार का अहंकारी और घमंड को हम लोग तोड़ करेंगे। और इस बात जो है हम लोग को अपने मांग को लेकर ही मरना है और तालाबंदी को खोलना। जब तक हमारी जब तक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी, तालाबंदी जारी रहेगी। ये नहीं कि रात कमेटी के लोग हैं तो बिना कोई निर्णय के ही आवाज कर देंगे जो विद्यालय में चले जाइए, वैसे कतई नहीं होगा। इसलिए हड़ताल हुई है अपने मांगों के लिए, तो हड़ताल का मतलब हम लोग का समान काम समान वेतन। इसलिए हम सभी साथी अपनी चटानी एकता का परिचय देते हुए और प्रतिदिन आंदोलन को सफल बनाने में काम करें। आंदोलन प्रत्येक दिन चलता रहेगा, कल भी आंदोलन चलेगा। हम लोग को आंदोलन को सफलता के लिए प्रतिदिन आप सभी भाई पीआरसी में 2 बजे तक उपस्थित होंगे और अपने आंदोलन को सफल बनाने का कार्य करें। और लड़ाई जो है सिर्फ यहाँ उपस्थित होना है, उपस्थित होकर बैठना है और समान का समान वेतन को लेना हम लोग का काम ही है। समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, पेंशन, सेवासत सभी मांग इस बार हम लोग लेकर ही आंदोलन को वापस जाएंगे। अन्यथा देखते हैं वो सरकार को कितना धमंड है, इस बार भी हम लोग भी तय कर लिए हैं। इसलिए हम लोग इस बार समान काम समान वेतन सेवासत जितनी भी हम लोग की मांगे है उसको लेकर ही हम लोग काम लेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रहेंगे बेहतर मां, 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 बेहतर म
बेहतर बेहतर माल बेहतर माल बेहतर माल बेहतर रहेंगे बेहतर माल बेहतर माल बेहतर माल जिंदाबाद 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 हमसे टकराएगा जो जोर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा जो जोर हो जाएगा हमसे टकराएगा जो जोर हो जाएगा टकराएगा जो जोर हो जाएगा रहेंगे बेहतर माल बेहतर माल बेहतर माल रहेंगे बेहतर माल बेहतर माल बेहतर माल मांगे बेहतर माल बेहतर माल बेहतर माल हमें चाहिए बेहतर माल 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद